ये वो दरगाह है जो फकीरों को बादशाहत मिली है। आज उत्तम कुमार रेड्डी वहाँ से चादर गुल चलाने के बाद अपनी बस यात्रा शुरू की है। आइए देखते हैं कि उत्तम कुमार रेड्डी साहब क्या कहते हैं। घोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी प्रजा चैतन्य यात्रा शुरू किया है। हम लोग ये सोचते हैं कि इस दिसंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसलिए हम हमारी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह ये चार साल में केसीआर साहब तेलंगाना में सोसाइटी में किसी को कुछ किया नहीं, ये चीज़ भी लोगों में ले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम जो करने वाले हैं वो चीज़ भी लोगों में ले जा रहे हैं और हमारी कैडर को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है। एक यात्रा वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब ने निकाला था, उसके बाद तेलंगाना इख्तदार पे आई, अब ये आपकी यात्रा के बाद क्या यकीनन 2019 में कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में आएगी? भाई साहब अब पूरी कॉन्फिडेंस में रहो, अब जब भी इलेक्शन हुए, इस साल दिसंबर में हुए या अगले साल हो गए, 100% तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है। आप जैसे जर्नलिस्टों को भी हम अब जो केसीआर ने धोखा दिया है, हम आपका वादा